दोस्तों, जब तक हमारे YouTube चैनल पर 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट नहीं होता, तब तक हमारा YouTube चैनल ना तो मोनेटाइज होता है, ना ही हम उससे अर्निंग कर पाते हैं। और दोस्तों, आप एक को भी पता होगा कि वॉच टाइम इंक्रीज होने से हमारी वीडियो भी रैंक करती है एंड हमें काफ़ी सारे बेनिफिट मिलते हैं, हमारा चैनल बूस्ट होने लग जाता है। तो आज मैं आपको 5 टिप्स, या आप तरीके समझ लो या मेरा एक्सपीरियंस समझ लो, आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, जिससे आपका वॉच टाइम डेफिनेटली बढ़ेगा, कोई नहीं रोक सकता। 5 पॉइंट के बारे में बात करूँगा। अगर आप इन 5 पॉइंट को फॉलो करते हो, अपनी वीडियो पर अप्लाई करते हो, तो आपका चैनल एक तरीके से धीरे धीरे बूस्ट होने लग जाएगा। अब दोस्तों, आप 4 से 5 वीडियोज़ बनाते हो, फिर सोचते हो कि हमारा वीडियो तो वायरल नहीं हो रहा या व्यूज़ नहीं आ रहे, तो ऐसा दोस्तों आपकी गलतफहमी है। आपको हमेशा अपनी वीडियोज़ को बनाते रहना है, ना कि ये देखना है कि कितना वॉच टाइम मिला है, कितना व्यूज़ आया, कितना सब्सक्राइबर आया, ये चीज़ नहीं देखनी है। अब वो 5 टिप्स कौन कौन से हैं वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। उससे पहले, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं टेक्निकल दोसा यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। जब भी आप किसी वीडियो को शूट करो या बनाओ, उससे पहले उसकी स्क्रिप्टिंग ज़रूर करें। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? मैंने इस वीडियो को जब बनाया या शूट कर रहा हूँ इस टाइम पे, इससे पहले ही इसकी स्क्रिप्टिंग कर ली थी। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पर साइड में मैंने एक स्पेशल बुक बना रखी है, जिसमें मैं हर वीडियो की स्क्रिप्टिंग करने की कोशिश करता हूँ। जब भी कोई अर्जेंट वीडियो होती है तो उसको मैं डायरेक्ट शूट करता हूँ, वरना मैं स्क्रिप्टिंग ज़रूर करता हूँ। अब स्क्रिप्टिंग करने से क्या फ़ायदा होगा? जैसा मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि मैं इस वीडियो में आपको 5 पॉइंट बताने वाला हूँ, तो दोस्तों मैं 500 पॉइंटों में से एक भी पॉइंट मिस नहीं करूँगा। ऐसे मुझे याद नहीं रहता, ना ही मैं आपके साथ शेयर कर पाता। और अब आपको मैं 5 पॉइंट में कुछ अलग अलग तरीके बताऊंगा, तो ऑडियंस अलग अलग चीज़ों को देखना ज़्यादा पसंद करती है। अगर आप एक ही वीडियो में खींचड़ी बना देते हो, घुल मिला देते हो वीडियो को, अब पता नहीं कहाँ से तो शुरू हो रही है, कहाँ एंड हो रही है, ऐसा करते हो तो उसमें प्रॉब्लम होती है। तो वीडियो आपकी पॉइंट टू पॉइंट होनी चाहिए, स्क्रिप्टिंग होनी चाहिए, ताकि सरल और अच्छी भाषा में बने, लोगों को पसंद आए, लोग ज़्यादा देर तक उसको देखना पसंद करें। अब चलते हैं आपके सेकंड पॉइंट की ओर। दोस्तों, जैसे ही आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लो, उसके बाद में आपको जाना है अपने YouTube स्टूडियो एप्लीकेशन में। वहाँ पर आपको रियल टाइम व्यूज़ में देखना है, 48 आवर्स में, कि आपके कौन सी वीडियो पर कितने व्यूज़ आ रहे हैं। अब ये देखना कि आपने 20 दिन पहले या एक महीने पहले कौन सी वीडियो अपलोड की थी जिस पर अभी भी व्यूज़ आ रहे हैं। अगर आप उसी टाइप की वीडियो बनाते हो, उसी टाइटल से और टैग से लेकर, तो आपके वीडियो पर व्यूज़ आने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपकी करंट वीडियोज़ पर व्यूज़ आते हैं और अच्छे खासे व्यूज़ आने लगे, तो यूट्यूब रिकमेंड करना स्टार्ट कर देगा, ब्राउज फीचर में भेजने लगेगा और आपका वॉच टाइम इंक्रीज़ भी होने लग जाएगा। अब चलते हैं हम थर्ड पॉइंट की। दोस्तों, ये जो थर्ड पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जरा ध्यान से देखना और जो मैं बात बता रहा हूँ उसको ज़रूर फॉलो करना। आपको डेफिनेटली आपके वॉच टाइम और व्यूज़ में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आप वीडियो सोचते हो, पहले कंटेंट सोचते हो, फिर उसके बाद में उसे शूट करते हो, उसके बाद में उसको अपलोड कर देते हो और उसका SEO भी बहुत अच्छा कर देते हो, पब्लिक कर देते हो। अब व्यूज़ बहुत ही कम आते हैं, यानी कि 50 आते हैं, 100 आते हैं, तो 50 और 100 व्यूज से आपकी वीडियो रैंक नहीं करेगी। तो आपको क्या करना है, अपने कोई दोस्त है या अपने रिलेटिव में कोई भी ले लो, उनका फ़ोन लेना है और अपनी वीडियो को सर्च करो, उसमें जाकर सर्च करने के बाद में उस वीडियो को फुल वॉच करो। करीब 10 मोबाइल से ऐसा करते हो तो आपकी वीडियो पर ऑडियंस रिटेंशन और वॉच टाइम अच्छा खासा गेन होगा, उससे आपकी वीडियो को यूट्यूब रिकमेंड करेगा, ब्राउज फीचर में भेजेगा। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपने वॉच टाइम को इनक्रीज़ करने का। और जब अच्छे खासे व्यूज़ आने लग जाएंगे, तो आपका वॉच टाइम डेफिनेटली चुटकियों में पूरा हो जाएगा। दोस्तों, अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूं, तो आपको मैं कहूंगा कि आप अपने थंबनेल पर हल्का सा क्लिकबेट ज़रूर करें। दोस्तों, अभी के टाइम पर अगर कोई कितनी भी अच्छी वीडियो बना ले, कितना भी अच्छा कंटेंट दे दे, कितना भी अच्छा SEO कर ले, बट लोग उसकी वीडियो पर क्लिक नहीं करते हैं। जैसे मैं पहले करता आ रहा था, मैं जो भी वीडियो बनाता था उस पर कोई भी क्लिकबेट नहीं करा और सीधा वीडियो का थंबनेल बना दिया, तो लोग उसको देखना ही पसंद नहीं करते। अगर आप भी थोड़ा बहुत क्लिकबेट नहीं करोगे, तो आपकी वीडियो पर व्यूज़ नहीं आएगा, तो सब
वो वॉच टाइम भी नहीं बढ़ेगा ना ही सब्सक्राइबर आएंगे। तो क्लिक बेट करवाना बहुत ज़रूरी है। अब आप ये मत सोचना कि यार क्लिक बेट करने से तो हमें घाटा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप वीडियो के अंदर भी वैसा ही कंटेंट दो बट थोड़ा सा क्लिक बेट करके दो, जिससे क्या होगा आपकी ऑडियंस को इंटरेस्ट बढ़ने लगेगा, आपकी वीडियो धीरे धीरे रैंक करने लगेगी और वॉच टाइम भी बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों अब जो फाइनल पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5th, इसके अंदर मैं 2 पॉइंट कवर किया हूँ। पहला पॉइंट है ट्रांजैक्शन ऐड करना। अपनी वीडियो के हर पॉइंट के बाद में ट्रांजैक्शन ऐड करो, जिससे लोगों को अट्रैक्टिव लगे, वीडियो अच्छा लगे देखने में, एडिटिंग अच्छी लगेगी, लोग काफ़ी देर तक देखेंगे। और फाइनल जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो दोस्तों होता है आपका पेशेंस, सब्र। दोस्तों आपको पेशेंस बनाए रखना है, चाहे आपके 10 व्यूज़ आए, 15 आए, 20। मेरे भी शुरुआत में 5 व्यूज़ आए थे, 1 आया था, 2 आया था, जो भी मेरे खुद के थे। आज मेरे 100 200 500 1000 तक आ जाते हैं। तो एक पेशेंस बना के रखा मैंने, कंटिन्यूस वीडियो बनाता रहा, अच्छी अच्छी नॉलेज आपको देता रहा। तो आप बस अपने कंटेंट पर और वीडियो पर फोकस करें पेशेंस बनाते हुए, आपका वॉच टाइम भी कंप्लीट हो जाएगा, व्यूज़ भी कंप्लीट होंगे, धीरे 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 आने लग जाएंगे और सब्सक्राइबर भी। तो दोस्तों मैंने सारी जो चीज़ें बताई आपको पसंद आई होगी, पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। एंड स्क्रीन में आपको 2 वीडियो दिख रही है, ज़रूर से देखना, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।